और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल TCS के रिजल्ट आए थे, आज इन्फोसिस और SCL टेक के रिजल्ट दिखे। तो इन्फोसिस के रिजल्ट इतने बेकार नहीं रहे जितने उसके जो फोरकास्ट है रेवेन्यू को लेकर के, वो काफी वीक रहे थे। TCS के नंबर्स ठीक ठाक रहे, लेकिन TCS में जो बाईबैक रहा था उसका प्राइस काफी नीचे रहा था और बाईबैक के जो वैल्यू थे वो काफी कम थे, 17,000 करोड़ के ही साइज थे, वहां से निगेटिव ट्रेंड दिखा। SCL टेक के रिजल्ट मिला जुला करके ठीक रहे, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ओवरऑल IT स्टॉक में TCS को अगर आप देखेंगे तो TCS नियर अराउंड 2%, इन्फोसिस 2%, SCL टेक नियर अराउंड 2%, टेक महिंद्रा मोर देन 2% और विप्रो -1% के डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते दिखा है। इसके अलावे इस समय विप्रो ADR देखेंगे तो ये भी आपको -3% के ट्रेड में दिख रहा है, यानी कल IT में एक सेलिंग दिख सकता है। यहाँ इसके अलावे कुछ बड़े न्यूज नहीं है, सभी कॉमन न्यूज ही दिख रहा है। जो डिलीवरी है वो बेटर है, लेकिन जो टेक्निकल ट्रेंड है वो वीकली गेन आपको निगेटिव में जाते दिख सकता है। यहाँ इसके प्राइस को देखेंगे, लास्ट टाइम 445 का रेजिस्टेंस दिखा, इस टाइम भी इसी प्राइस का रेजिस्टेंस दिखा। वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के को जो ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो टारगेट यहां देखेंगे तो नियर अराउंड 620-600 तक का दिखेगा और इसके बाद का जो टारगेट है वो 720 का है। लेकिन इस समय मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा कौशन बरतना चाहिए, रिजल्ट से पहले शॉर्ट टर्म लॉन्ग करने से बचेंगे। यहाँ देखेंगे तो टेक्निकली रेजिस्टेंस के ऊपर का क्लोजिंग तो हुआ था लेकिन वो सस्टेन नहीं किया और हो सकता है कि 400 तक के अगेन एक लेवल मिलते दिखे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, ऑप्शन ट्रेडर इस समय लॉन्ग करने से बचे, एक प्रॉपर SL के साथ शॉर्ट कर सकते हैं।